छोटी सी बात है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ऐसे ही हर टपकती हुई नाक कोरोना नहीं होती है। सिर्फ न्यूमोकाकल निमोनिया से, मतलब निमोनिया की एक वैरायटी से 4.1 लाख बच्चे हर साल मारे जाते हैं, जिसमें ज्यादातर 75-80% बच्चे, ये सब जो है 2 साल से कम के हैं। कैंसर की दवाइयां सस्ती करके इतनी सस्ती कर दी है कि उन बेचारों की लागत नहीं हुई, तो आज की तारीख में सस्ती दवाइयां कोई बना नहीं रहा है। मेथोट्रेक्सेट हुआ, साइक्लोसान हुआ, ये ढूंढने के नहीं मिलती है दवाइयां। जो लिखता है वो भी सोचता है कि अरे क्या 2 रुपए की दवा लिखी। उसमें जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसके अनुसार उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है मिल्क का वो चेंज होता जाता है। तो पहले जैसे अगर कहते बताते हैं कि पहली बार जब माँ को दूध पिलाया जाए तो एक स्तन से कम 15 से 20 मिनट पिलाना चाहिए उसको, क्योंकि पहले उसमें पानी आता है, फिर उसमें फैट एंड प्रोटीन्स होती हैं जो कि उसके विकास के लिए जरूरी होती हैं। जब तक जनरल पब्लिक को उसके बारे में जागरूक नहीं किया जाएगा, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आपको लड़कियों को तो समझाना है कि उन्हें कैसे रहना है, इसके अलावा लड़कों को आपको इस अपब्रिंगिंग से बड़ा करना है जो हमारे समाज में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब यूट्रस फट जाता है या बच्चा बेड़ा है फिर भी ट्राई कर रहे हैं आप बच्चे का हाथ बाहर निकला है, ऐसे केस बिगाड़ के हमारे पास है, हमने फिर दवाइयां लगाई, भाई एनीमिया भी हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो महंगी दवाइयां चाहिए होती हैं उसको बिल्ड अप करने ताकि उसके टाके ना फटे और सेकेंडरी पीपीएच ना हो, तो उसमें फिर वो डॉक्टर्स का ही इम्प्रेशन बिगड़ता है पब्लिक के आगे। हम अगर एक अस्पताल एक डॉक्टर खोलता है और एक अस्पताल एक बिजनेसमैन खोलता है तो दोनों की सोच में फर्क होता है। बिजनेसमैन का केवल एम उससे कमाना है और डॉक्टर का एम है कि भाई इस अस्पताल में मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा नाम होगा। देखिए भारतवर्ष में व्यक्ति की औसत आयु बढ़ रही है, लॉन्गविटी बढ़ रही है, इस समय लगभग 68 ईयर्स की एवरेज एज है, तो इतनी उम्र होने पर बीमारियां तो होंगी, जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतनी ज़्यादा बीमारियां होंगी। ये तो तय है और ये सबने मान लिया है, सरकार से लेके जनता तक ने लगभग मान लिया है कि बच्चे को माँ का दूध आधे घंटे के अंदर, पैदा होने के आधे घंटे के अंदर मिल ही जाना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए और हर बच्चे को हर माँ से मिलना चाहिए। 6 महीने तक केवल माँ का दूध दिया जाना चाहिए और 6 महीने के बाद 2-2.5 साल तक माँ का दूध देते हुए अनुपूरक आहार देने चाहिए।